में कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहले NRC और अब कैब CAB नागरिकता बिल लाकर अव्यवस्था फैलाई गई है। पहले NRC वो लेके आए, चर्चा में आए, NRC जो बिल है, NRC जो चीज है, उसका हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में और सड़कों पर दिल्ली में पुरजोर विरोध किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे जो अपने को नेता कहते हैं, माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर पहुंचकर गुंडागर्दी किया, नारेबाजी किया और उनकी अनुपस्थिति में घर में मौजूद उनके माता पिता उनके पत्नी को अभद्र शब्द कहे, बदतमीजी की। NRC के बारे में मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा देश को भी, खासकर बिहार और UP के लोगों को, कि NRC वो चीज़ है, वो व्यवस्था है कि आ जाने के बाद बिहार के जो मजदूर, बिहार के जो कामगार महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, बंगलोर में, पंजाब में जाकर काम कर रहे हैं, उनको बाहरी करार कर दिया जाएगा। ऐसे ही महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री के गुजरात में, गुवाहाटी में, आसाम में समय समय पर हर साल बिहार और UP के लोगों को खदेड़ने और मारने पीटने का काम किया जाता है, कहा जाता है कि तुम लोग बाहरी हो। अब तक कोई ऐसा कानून नहीं था, लेकिन इसके पीछे गृह मंत्री की मंशा, अमित शाह की मंशा यही है कि बिहार को कमजोर किया जाए, बिहार के लोगों का रोजगार छीना जाए, बंद किया जाए और उन्हें दूसरे सभी राज्यों से खदेड़ा जाए। इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है, साथ ही साथ यह चेतावनी भी देती है कि अगर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने इस तरह का कुकृत्य किया तो बिहार और UP से हम ट्रेनों में भरकर दिल्ली पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर से निकलना बंद कर देंगे, चूल्हा चौकी बंद कर देंगे। जिस तरह से जो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जदयू ने समर्थन किया है, कहीं ना कहीं उसके पार्टी के उपाध्यक्ष PK ने एक मोर्चा खोल दिया है। कल नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं, नेताओं को बोला कि नीतीश कुमार के द्वारा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम समझ लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मामला फंसता हुआ दिख नहीं रहा है पार्टी में, दो फाड़ की स्थिति। कैब जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, इसके हाथ, इसका मुखड़ा धर्मनिरपेक्षता के खून से रंगा है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, सभी जाति के वर्ग, जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सब लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और लाखों की संख्या में मुसलमानों ने भी देश में शहादत भी कुर्बानी दी, ये इतिहास गवाह है। मैं विस्तृत में जाना नहीं चाहता, समय की कमी है, लेकिन कैब का जो प्रावधान किया गया, राज्यसभा में जो बिल लाया गया, इसका जो स्वरूप था, इसमें कहा गया कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो हिंदू आए, सिख आए, पर्शियन आए, क्रिश्चियन आए, जो लोग लगभग 2014 तक आ गए हैं और यहाँ बस गए हैं, रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको अमित शाह गृह मंत्री, तरीपार गृह मंत्री इनको नागरिकता दे देंगे, लेकिन उसमें सिर्फ स्लिप ऑफ टंग, जान बुझ कर मुसलमानों को छोड़ दिया गया। ये क्यों? इसलिए कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं, ये सिर्फ भारत पाकिस्तान की राजनीति करना चाहते हैं। पिछले 5 साल जब उन्होंने शासन किया तो आज तक क्या हुआ, नोटबंदी लेके आए व्यापार खत्म हो गया, GST लेके आए व्यापारी परेशान हो गए, रोजगार खत्म हो गया, किसानों ने फांसी लगाया, महिलाओं की अस्मिता और इज्जत खतरे में है, आज पूरे देश में बलात्कार का कंपटीशन लगा है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब कैब जो प्रशांत किशोर ने एक विचारधारा की राजनीति की है, प्रशांत किशोर ने राज्यसभा में बिल आने के पहले नीतीश कुमार को चेताया था, प्रशांत किशोर ने लोकसभा में समर्थन करने के वक्त भी आपत्ति जाहिर की थी कि कैब का समर्थन नहीं होना चाहिए, ये भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता का खून करने वाला बिल है। लेकिन इसके विपरीत नीतीश कुमार जो शुरू से ही भाजपा का खिलौना रहे हैं और इस बिल का समर्थन करते, नीतीश कुमार का जो संघी चेहरा है वो चेहरा उजागर हुआ है, नीतीश कुमार का संघी चेहरा उजागर हुआ है। पहले भी भाजपा कोटे से, भाजपा के समर्थन से वो रेल मंत्री बने थे, आज भाजपा के गोद में बैठ के सरकार बना रहे हैं, उनके पेट में दाद है, ये लालू प्रसाद कहते थे, इस बार हम लोगों ने उनका सारा दांत गिन लिया है और आगामी आने वाले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी और सड़कों पर लाएगी। सर, BN कॉलेज में छात्रा के साथ जो गैंगरेप हुआ, उस पर लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, बिहार में महिलाओं की अस्मिता खतरे में है,
न सिर्फ कि पटना न कि राजधानी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आपको याद होगा, जिसमें सत्ता के नीतीश कुमार के पार्टी के सफेदपेश लोगों ने छोटी छोटी बच्चों के साथ घृणित काम किया, बलात्कार किया, उनकी इज्जत लूटी। आज तक उस केस में उसके दोषियों को फांसी नहीं हो सकी है। निर्भया के दोषियों को 6 साल के बाद भी फांसी नहीं हो सकी है। राजगीर में गया था, राजगीर में एक परिवार की मासूम बच्ची के साथ 5-5 लोगों ने राजगीर पहाड़ पर बलात्कार किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, सबकी तस्वीर है, फोटो है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सरकार उल्टे जाके पीड़िता के घर पर उसको पैसे की पेशकश कर रही थी। अनुराग ने बताया कि पैसा लेके मुंह बंद कर दो, चुप हो जाओ। दरभंगा में बलात्कार हुआ, समस्तीपुर में बलात्कार हुआ, मुजफ्फरपुर में बच्चियों को जलाकर मार दिया गया, फिर भी नीतीश कुमार के कान पे जू नहीं रोक रहा है। क्यों नहीं रोक रहा है? जो सांसद है, जो लोकसभा है, जो लोकसभा के सांसद है, आज भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन पर बलात्कार का मुकदमा चल रहा है। आम आदमी पार्टी अनुरोध करती है देश के राष्ट्रपति से कि ऐसे सांसदों को जिन पर बलात्कार का मुकदमा चल रहा है तत्काल प्रभाव से देश से बाहर किया जाए और देश में बलात्कार के विरुद्ध, बलात्कारियों के विरुद्ध, रेपिस्टों के विरुद्ध एक मजबूत कानून लाया जाए, ताकि फास्ट ट्रैक के माध्यम से मुकदमा चलाकर 6 महीने के अंदर उनको फांसी के तख्ते पर झुलाया जाए। आम आदमी पार्टी की नेत्री और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षता आज दिल्ली में 13 दिन से आमरण अनशन पे है, उसकी स्थिति खराब हो रही है। अमित शाह और मोदी को ये बिल पास कराने की चलता है, हिंदू मुसलमान करने की चिंता है, देश को जलाने की चिंता है, लेकिन स्वाति मालीवाल से मिलने आज तक भारत के प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री या कोई भी प्रतिनिधि नहीं किया। मतलब हम बलात्कार के खिलाफ चारों बिहार से लेकर दिल्ली तक आग लगा है, कंपटीशन लगा है, हर रोज अखबार में नई नई खबरें छपती है, उसके बावजूद एक भी प्रतिनिधि, एक भी भाजपा का प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, केंद्र सरकार का एक भी नेता 13 दिनों के बाद स्वाति मालीवाल की हालत खराब है और अब तक घटनास्थल पर जाकर उससे अनशन तोड़ने की विनती नहीं कर पाया है। इससे साफ यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की मंशा ठीक नहीं है। महिलाओं के मामले में खासकर वे अनदेखी कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका साथ दे रहे हैं। इसको क्या मुख्यमंत्री को कल पटना के रेप के बाद नैतिकता के आधार पर अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता के पे भी जाकर फ्रेश मैंडेट, फ्रेश जनादेश मांगना चाहिए। मनोज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी बिहार। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार जो संसद का जो अंतिम सत्र के दिन जिस तरह से महिला सांसदों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया राहुल जी के एक बयान पर, रेप इन इंडिया, लेकिन कैसे वो वास्तविकता से मुकर गई कि आज चारों तरफ वही हो रहा है, जिसके विरोध में उन लोगों को एक आवाज़ उठानी चाहिए थी और उन महिला सांसदों से, वर्तमान की जो महिला सांसद हैं उनसे मेरा अनुरोध है, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप अगर संसद में हैं तो आप क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनकी जो रोज़ रोज़ की ये घटनाएं हो रही हैं उस पर क्यों नहीं आप एक कानून बनाने के लिए आप संसद को तैयार करती हैं, पूरे लोगों का आप एक मंशा करती हैं। अगर महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण बिल जो आज तक पास नहीं हो सका है तो क्यों नहीं आप उसको पास करवाना चाहती हैं? अभी तो सरकार आपकी बहुमत में है, भाजपा के प्रधानमंत्री और अमित शाह हो, गृह मंत्री हो माननीय, मैं सारे माननीयों से अनुरोध करूंगी कि अभी आपकी सरकार बहुमत में है, आपको जो चीज़ चाहे वो आप कर सकते हैं। आपने NRC जैसे, आपने कैब जैसे कानून संसद में लाए जिससे सारा देश जल रहा है। आप देख लें, पहले ये पूर्वोत्तर राज्य जल रहा था, आज सारा देश हमारा जल रहा है। तो ऐसे कानून आप बना रहे हैं जिससे सारा देश जल रहा है, आपको उसकी परवाह नहीं है, आपको जनता की परवाह नहीं है। आप क्यों इस तरह से नाटक कर रहे हैं और लोगों को आपस में जला रहे हैं, भिड़ा रहे हैं और लोगों को छोड़ दे रहे हैं इस तरह से मरने भिड़ाने के लिए? क्यों, क्या सरकार की नीति ऐसी बननी चाहिए जो सरकार एक दूसरे के लिए स्वराज कल्पना करती है, लोग कल्याणकारी राज की कल्पना करती है और आप उस समय लोगों को एक दूसरे से जंग कर कटकर छोड़ दिए हैं आप? नहीं। और मेरा तो मानना ये भी है कि जो महिलाएं हैं, मैं हर बार ये रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे वो हमारी सभी सरकारें, राज्य सरकारें हैं और केंद्र की सरकारें हैं, मेरा यही अनुरोध होगा कि सबसे पहले ये जो देश भर में जो प्रियंका रेड्डी और निर्भया और जो भी
जेठवा की जो हमारी बच्ची का साथ जो हुआ उसके विरोध में अब तक सारे देशों में जो फैल गई है ये कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो और उसके बाद उन लोगों को जिंदा जला दिया जाए। बंद करिए इसको, रेप को रोकिए, रेप को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून लाइए। आपने अभी तक स्वच्छता अभियान चलाया, आपने क्या क्या अभियान नहीं चलाया, लेकिन क्या रेप रोको अभियान नहीं चला सकते? मैं इस मेरी मांग है, ये मैं अंदर मन से कहती हूँ कि मेरी ये मांग रख सुन ली जाए। प्लीज हेल्प करिए महिलाओं को, महिलाओं की बात सुनिए, नहीं तो ये देश बिखर रहा है, आपकी आधी आबादी लुट रही है और आप ध्यान नहीं सुन रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कंगे भी भरे नहीं रहे बने रहिए। आप उस पर अमल करिए और कानून बनाइए और उस कानून को सरजमीन पे भी उतारिए, सरजमीन पे उतारिए, कानून को कानून बने रहने मत दीजिए, उसे दिखाइए। अगर आप कोई फैसले लेते हैं तो आप उसे सरजमी पे दिखाइए और उसको अगर निर्भया के दोषी को रेपित को देना है उनको अगर फांसी तो दीजिए, ताकि लोगों में कानून के प्रति आदर हो, भावना हो। नहीं तो लोग आज जो कर रहे हैं, प्रियंका की जो हालत हुई, जो पुलिस ने किया या किसने किया, इस पर मैं प्रकाश नहीं डालना चाहती हूँ, ना वो मैं चाहती हूँ कि हत्या से आपका कोई प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है। उसको अगर आप फांसी भी लगा देंगे ये कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे एक अभियान चलाते हैं, जिस तरह से आपने अभियान दूसरे सिस्टम के लिए चलाया है, दूसरे कार्यक्रम के लिए चलाया है, तो रेप रोको अभियान ही आप चलाएं तो देखिए समाज कैसे बदलेगा। अगर आपकी नीयत सही है तो आपको ये करके दिखाना चाहिए, अब केंद्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और सभी राज्य सरकारों को उसका अनुसरण करना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। और मैं प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ, आम आदमी पार्टी।